आज पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि साझा कार्यक्रम को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें किसानों के आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार को बेरोजगारों का केंद्र और मजबूर प्रदेश नीतीश कुमार ने बनाया। बाजार समिति खत्म होने का बुरा असर किसानों पर पड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि 30 जनवरी को किसानों और बेरोजगारों की समस्या पर महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, जो महागठबंधन की सभी पार्टियां, सभी नेता यहां जुटे थे और कार्यक्रम को लेकर के प्रदेश भर में व्यापक किसान आंदोलन जो चल रहा है, 3 जो कृषि बिल जो आए हैं उसके विरोध में, इसको लेकर के हम लोगों का कार्यक्रम जो रहेगा वो इस आंदोलन को मजबूत हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग सब लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों का आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, साझा कार्यक्रम बढ़िया ढंग से हम लोगों का चलता रहे, इसको लेकर के सभी महागठबंधन के पार्टियों की हम लोगों की बैठक थी और 30 तारीख को हम लोगों का जो मानव श्रृंखला है इसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो हैं पंचायत स्तर तक हम लोग सब लोग ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला बनाएं, क्योंकि इस सरकार को, केंद्र में बैठी सरकार को ना धान की कीमतों का पता है महत्व, ना लोगों की जान का पता है, ना किसानों की जान का पता है। 50 से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं शहीद हो गए, लेकिन ना बिहार के मुख्यमंत्री ना देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके कंडोलेंस नहीं दिए। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो किसान विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो छात्र छात्रा विरोधी है, आप देखिएगा सब लोग जो हैं परेशान हैं, लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जीविका दीदी हो, स्वयं सहायक समूह हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। और हमने पहले भी ये बात कही, महागठबंधन के सभी पार्टियां ह्यूमन चैन बनाने का स्तर तक हम लोगों का होगा और मौजूदा सरकार जो है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पास, आप लोगों को ध्यान दिलाएं ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनप्रतिनिधि जनता की जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, यहां से निदान होता है। हम लोग लगातार पहले से कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र पे खतरा है, और अभी भी अगर आप देखें तो एक साल में केवल मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला है। क्यों चला 4 दिन? और आने वाला जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है? कई नए विधायक चुनकर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता है।